जीवन में ये दो नियम अपना लेने से हनुमान जी की कृपा हमेशा रहेगी। प्रेमी भक्तों, अगर विशेष दर्शन करने हैं आपको हनुमान जी के, सिर्फ हनुमान जी के आपको दर्शन करने हैं और वैसे लालसा आप रखते हैं, तो प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी आपको जरूर दर्शन देंगे, अगर आपने ये दो कार्य कर लिए तो। और वे दो कार्य है क्या, आप निरंतर इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, हम उन दो कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और आपको करने किस तरीके से और किस समय करने वे अवश्य करें। हमारा मानना है कि 21 दिन या फिर ना हो तो 21 दिन के थोड़े दिन आप मान लीजिए, 20 या 25 महीने भर के अंदर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप जरूर कहना, आपको किसी ना किसी रूप में वे हनुमान जी आपको दर्शन देने की कोशिश जरूर करेंगे। और बस आप में ही होना चाहिए कि आप उनको किस तरह से देखें, उनको किस तरह से अनुसरण करें। तो जय सियाराम प्रेमी भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जय सियाराम आपके सहयोगी में। तो प्रेमी भक्तों, देखिए आपको हनुमान जी के दर्शन करने और आपको विशेष कृपा प्राप्त करनी श्री राम भक्त हनुमान की, तो आपको करना क्या है। देखिए भौतिक रूप से ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, काफ़ी मन में द्वंद्व रहता है कि हो सकता है। प्रेमी भक्तों, काफ़ी भक्तगण अभी भी है जो प्रभु के दर्शन पाते हैं, हनुमान जी के दर्शन पाते हैं। अब देखिए हनुमान जी के दर्शन पाने के लिए कि आपको तीन या चार बातें ऐसी है जो आपको गांठ बांध के रखनी अनिवार्य रूप से है। और क्या है कि कुछ साधना किए बगैर प्रभु के दर्शन बहुत दुर्लभ होते प्रेमी भक्तों। कुछ ना कुछ साधना करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा बुरी चीज़ों का, जब ही प्रभु मिलेंगे। अब देखिए प्रथम नंबर क्या है कि आपको प्रत्येक एकादशी जरूर रखनी पड़ेगी साधना के अंतर्गत। प्रेमी भक्तों, आप एकादशी जब भी रखते हैं तो ये गांठ मान लें कि उस दिन आप प्रभु राम नाम जप निरंतर करते रहेंगे, ये तो मान के चलिए। आपको कैसे करना है राम नाम जप, किस तरह से करना है, काफ़ी वीडियो है हमने बना रखी है उसके ऊपर, और इस आई बटन पे भी हम डाल देंगे ताकि आप वहां से जाके वो देख लो, आपको पता चल जाएगा वो निरंतर कैसे चलता है प्रभु का नाम। दूसरी चीज ये क्या है प्रेमी भक्तों कि आपको तुलसी माला धारण करके रखनी है। अब जब भी आप फ्री हो, अपने गले से माला निकाली वो प्रभु का नाम स्मरण करने लग गए, जब भी गले से माला ऐसे आपको करते रहना, जब भी आप फ्री हो, कहीं भी अगर जैसे बाहर गए हो तो जरूरी नहीं आप गले से माला निकाल कर ऐसा करें, आप अंतर ही अंतर मन के भीतर वो नाम स्वतः चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है और रुकता नहीं है, मगर आपको विधि जाननी पड़ेगी, इसलिए हम उसके लिए आप के लिए एक वीडियो भी ला देंगे और वो अंत में आपको मिल जाएगी, इस वीडियो खत्म होने के अंत में मिल जाएगी, वो देख लेना आप। अब तीसरा ये है प्रेमी भक्तों कि लहसुन और प्याज का तो आप ये सेवन करना थोड़ा बंद कर दे, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी है कि प्रेमी भक्तों ये मनुष्य के शरीर में उत्तेजना एकदम उत्तेजित कर देती है। लहसुन और ये प्याज क्या गर्मी ज़्यादा करते हैं, लहसुन है खास तौर पर जो शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा करता है, ये उत्तेजना काम क्रोध बढ़ाता है, तो इससे आप थोड़ा दूर रहें। मानना, मेरा मानना ऐसा है कि थोड़ा सा आप परहेज रखेंगे, 21 दिन तक आप इस परहेज रखेंगे तो आपको स्वयं को पता चलने लग जाएगा कि आपके भीतर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हो रहा है। अब देखिए एक और इसमें है कि आपको जो भोजन करना है वो सात्विक होना चाहिए, पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, ये इसका विशेष ध्यान रखें सात्विक। आपको मांसाहार वगैरह इनका थोड़ा त्याग करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज बिल्कुल है ब्रह्मचारी और सात्विक भोजन करने वाले, वे हरे पत्ते पत्ती फल फ्रूट ऐसा ही अधिकतर खाया करते थे, और बाकी उनके ऐसा जो अशुद्ध भोजन है वो नहीं चढ़ता है। अब देखिए अब ये तो हो गया कि अनिवार्य चीज़ें आपको करनी ही करनी, अब वो दो चीज़ें हैं क्या, मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा प्रेमी मुक्त, तो अब आप ध्यान से सुन लेना कि वे दो चीज़ें हैं क्या, और उनको आप कंटिन्यू करना तो है ही 21 दिन तक निरंतर करते रहे। अगर आपको 21 दिन में भी रिजल्ट ना मिले तो आप ऐसा नहीं कि छोड़ दे, उसको करते रहे, थोड़ा 21 दिन से 30 दिन करें, क्योंकि कभी भी इन दिनों के भीतर कभी ना कुछ आपके साथ ऐसी अच्छी सूचना मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा होने लगेगा इन दिनों के अंदर, तो आप मान लेना कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा होने वाला है। अब देखिए कि आपको एक काम है कि राम के प्रतिदिन 5 दोहे रामायण वो सुनाने पड़ेंगे प्रभु श्री राम हनुमान भक्त को, कि
रामायण के पांच दोहे प्रभु भक्त श्री राम भक्त हनुमान को जरूर सुनाने हैं आपको, पांच दोहे रामायण के, ये एक काम आपको करना है। अब देखिए दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि रात के 9 बजे के बाद आपको, देखिए आप रात के 9 बजे काफ़ी जन क्या सुबह सुबह इतना टाइम नहीं रहता कि जल्दी तुरंत ऑफिस चले जाते हैं, सुबह आने के पश्चात रात के 9 बजे जो भी है छोटा बड़ा कि सब उम्र के लिए ये वैलिड है, एक तरह से कोई भी कर सकता है इसको, आप मान के चलिए छोटे हुए बड़े हुए कोई भी कर सकता है। रात में 9 बजे के बाद सुंदरकांड का आप पाठ कर लें, थोड़ा तसल्ली से आराम से बैठ के सुंदरकांड का पाठ कर रहे, ये चीज़ें आप निरंतर करने लग गए ना प्रेमी भक्तों, तो निस्संदेह ही हनुमान जी आपको दर्शन देंगे ही देंगे, ये गांठ बांध के रख लीजिए। और इन दिनों के दौरान आपको कुछ भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना है जो आपको लगता है स्वयं को कि ये गलत है, थोड़ा आप अपना आप पर भी बांधे रखें। अब एक काफ़ी जनों का ऐसा विचार होगा कि ये ब्रह्मचारी है तो इसका ब्रह्मचारी का पालन रखना पड़ेगा क्या, कि ऐसी जरूरत नहीं है प्रेमी मुक्तों, जो गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ जीवन जी रहे हैं वे भी कर सकते हैं, मगर इतना आप ब्रह्मचारी का, देखिए ब्रह्मचारी का तो वे है जो कुंवारे लोग हैं जो जिनका विवाह नहीं हुआ, वो विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान रखें कि ब्रह्मचार्य का थोड़ा पालन करें ताकि आप में ब्रह्मचार्य बना रहे और प्रभु के प्रति वो प्रेम बढ़ा रहे। आप जहाँ पर ब्रह्मचार्य कम होगा आपका, तो मान के चलिए कि आपका पलड़ा उस तरफ माया और वासनाओं की तरफ ज़्यादा होगा और भक्ति मार्ग की तरफ कम रहेगा, इसलिए ये आपको विशेष ध्यान देना है। गृहस्थ आश्रम वाले भी थोड़ा ध्यान रखें कि इस चीज़ का थोड़ा सा आपको प्रबंध यानी प्रतिबंध लगाना स्वयं पर, थोड़ा कि आप किस चीज़ का कर रहे हैं, कुछ ना कुछ साधन कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो उस चीज़ पर आप थोड़ा प्रतिबंध बनाए रखें कि इस समय आपको ये चीज़ करनी है। अब देखिए कि आपको ये चीज़ तो आप, मैंने आपको बता दी ये दो उपाय, अब देखिए इसमें आपको और क्या करना है, आपको और यही करना है कि प्रभु का नित्य निरंतर नाम जप करते रहें, श्री राम नाम का नाम जप जरूर करते रहें, क्योंकि प्रभु भक्त हनुमान भक्त श्री राम पर भी, हनुमान जी श्री राम जी पर ही प्रसन्न होते हैं, उनका नाम लेने से खाने बैठने उठने बैठने हर कार्य में उनसे ही प्रसन्न रहते हैं। तो प्रेमी भक्तों आपको ही वे करना है, और उसके लिए मैं आपको ये वीडियो आपको देख लेना, अगर ये आप पूरी वीडियो होने के पश्चात ही आपको वीडियो देख लेनी है ताकि आपको पता चल जाएगा नाम जब आखिरकार निरंतर कैसा, अगर आप सगुण भक्त है सगुण भक्त के रूप में कीजिए, निर्गुण भक्त है तो निर्गुण भक्त के रूप में कीजिए। तो प्रेमी भक्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में हमें सबके बताएं। जय श्री राम प्रेमी।